आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम यहाँ लाए हैं कक्षा 12 के अकाउंटेंसी यानी बही खाता तथा लेखा शास्त्र के अंतर्गत थर्ड चैप्टर पार्टनरशिप अकाउंट के अंतर्गत रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट यानी अवकाश ग्रहण करने के चक्कर में, अवकाश ग्रहण है साझेदारी के अंतर्गत, ये इसके साथ साथ मृत्यु भी है, लेकिन मृत्यु इस बार बोर्ड ने जो 30% सिलेबस हटाया है उसमें मृत्यु और साझेदारी विघटन को समाप्त कर दिया है। साझेदारी में केवल दो ही मुख्य टॉपिक बचे हैं, साझेदारी प्रवेश और साझेदारी अवकाश। तो साझेदारी अवकाश की हम बात करते हैं। साझेदारी अवकाश का यह मतलब है कि जितने भी साझेदार फर्म में कार्यरत होते हैं, जो कार्य कर रहे हैं होते हैं, यदि उसमें से कोई साझेदार फर्म के कार्यों से मुक्त हो जाता है यानी फर्म को छोड़कर जाता है तो वो साझेदारी अवकाश कहलाता है। उसके जाने के फर्म से कई कारण हो सकते हैं। मान लीजिए वो ज्यादा उम्र का हो गया, उससे अब कार्य करने में सक्षम नहीं है, या साझेदारों के जो साझेदारी फर्म है उसके जो दूसरे साझेदार है उससे मतभेद या झगड़े हो जाए, ठीक है, या उसने कोई अपना व्यवसाय चालू कर लिया हो तो साझेदारी फर्म में नहीं रहना चाहता। रीजन कुछ भी हो सकता है, तो मैं दो तीन आपको बताए हैं। तो साझेदारी प्रवेश का एक सीधा सा साधन आशय यही है कि जो विद्वान साझेदार होते हैं उसमें से यदि कोई साझेदार फर्म छोड़कर जाता है तो ये साझेदारी अवकाश कहलाता है। अब साझेदारी अवकाश के अंतर्गत खाते कैसे रखे जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, ये सारा प्रोसेस इसमें आप चलेगा आज। तो जब साझेदारी अवकाश के अंतर्गत कोई साझेदार जा रहा है तो समस्या आती है कि उसको भुगतान कितना देना है, उसका फर्म पर पैसा निकल रहा है या उसका फर्म पर उसे फर्म को देना है, दोनों मतलब फर्म हो सकता है उसने ज्यादा पैसा ले लिया तो फर्म उससे वापस देगी, या उसका पैसा लगा हुआ है तो फर्म उसको पैसा देगी। तो इस कंडीशन में जो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है, जो रिटायरमेंट पार्टनर है, उसका हिसाब बनाया जाता है, उसका हिसाब बनाया जाता है कि कितना इसको देना था और कितना इसने ले रखा है। तो इसका जो हिसाब बनाया जाता है वहां पर, मान लीजिए मैं यहां पर तीन पार्टनर मानता हूं, ए बी और सी, तीन पार्टनर है। मान लीजिए इसमें बी जाता है तो बी का सारा हिसाब बनाना है, बी का क्योंकि भविष्य मान लीजिए वो जा रहा है तो उसको भुगतान करना है, उसको भेजना है फर्म से, तो यहां पर समझने आती है कि उसको क्या चीजें भुगतान की जाए जो उसने फर्म में लगा रखी है। तो यानी उसके भुगतान की जाने वाली राशि की गणना यहां पर हमें करनी है। तो कौन कौन सी राशियों से भुगतान की जाएगी उसके पूंजी खाते का शेष, पूंजी खाते का क्रेडिट शेष, कभी कभी पूंजी का डेबिट शेष भी हो जाता है, लेना होता है इसमें क्रेडिट शेष लिखा है, पूंजी खाते का क्रेडिट शेष, कोई आवधिक लाभ है जो कि अब तक साझेदारों ने आपस में नहीं बांटा है, जैसे सामान्य संचय, या लाभानी खाते का धनी शेष, या प्रॉफिट एंड लॉस का धनी शेष आदि लाभ, ये बैलेंस शीट में आपको चीजें मिलेंगी। उसका पूंजी खाता, उसका लाभ, जो आवेदित लाभ है सामान्य संचय या लायबिलिटीज में दिया गया लाभानी खाते का शेष, वो उसको बांटना है। इसके साथ साथ यदि साझेदारों ने चालू खाते खोल रखे हैं, चालू खाते का क्रेडिट शेष, चालू खाते का क्रेडिट शेष राशि यह है, कभी कभी साझेदारों की स्थायी पूंजी होती है तो वो जो भी कमी वृद्धि करते हैं, पूंजी खाते में नहीं कर सकते क्योंकि पूंजी स्थायी है, तो जो भी कमी वृद्धि होती है वो चालू खाता खोलकर करते हैं, तो उसमें यदि उसका कोई शेष पड़ा है तो वो पुनर्मूल्यांकन कर, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ ये रिवोल्यूशन अकाउंट वैसा ही है जैसे हमने साझेदारी प्रवेश में बनाना सीखा था, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ जो भी है वो उसको दिया जाएगा।
और ख्याति में हिस्सा या उसके हिस्से की ख्याति, यहाँ पर ख्याति में हिस्से का मतलब उसके हिस्से की ख्याति से है। ठीक है, यदि उसने पर हमको कोई लोन वगैरह दे रखा है, ऋण दे रखा है, तो वो ऋण की राशि उसको दी जाती है, उसको दी जाने वाली ऋण की राशि। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पांच चीजें लिखी, उसे क्या क्या भुगतान किया जाएगा, पूंजी खाते का क्रेडिट से, चिट्ठे में दिया गया लाभ, सामान्य संचय आदि, चालू खाता यदि दायित्व पक्ष में दिया है उसका शेष, पुनर्मूल्यांकन संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं उसका लाभ, और ख्याति में हिस्सा, ये चीजें उसको मिलती हैं। और इसमें से उसने यदि कुछ ले रखा हो तो कटता भी है, जैसे आप इतने हानि, आप इतने हानियां पुनर्मूल्यांकन पर हानि उसके आहरण, परंतु इसमें कोई आहरण कर रखा है तो वो उसके आहरण और पुनर्मूल्यांकन पर हानि, उसके मूल्य आहरण, चालू खाते का क्रेडिट शेष मिलता है, यहां पर आएगा डेबिट शेष। ठीक है, क्या क्या चीजें उसकी कम करनी है, और ख्याति यदि पुरानी ख्याति दी रखी है तो वो भी उसको खत्म करनी होती है, वो मैं भी टॉपिक में बताऊंगा। तो ये पांच और भी चीजें हो सकता है मिलती हो, मैंने यहाँ मोटा मोटा आपको बताया, और जो चीजें उसको मिलती है वो एक तरफ जोड़ते हैं, और जो चीजें उसकी कटनी है जो उसने दे रखी है वो घटाकर उसका एक हिसाब बन के आ जाता है कि भैया ये इतने पैसे इसको दिए जाने हैं। ठीक है, इसको दिए जाने, तो यहाँ पर सारे तरह के अवकाश करने तक उसका हिसाब लगाना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि उसको ये राशि दी जानी होती है। तो जब ये राशि उसको दी जानी है तो उसका भुगतान किया जाना है, जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उसको भुगतान किया जाएगा। तो भुगतान कैसे किया जाएगा, उसको भुगतान करने का ये लेखा है, सारा हिसाब बन गया पूंजी खाते में, अब उसको भुगतान कैसे किया जाएगा। अगर फर्म के पास पर्याप्त मात्रा में धन है तो वो उसको नकद पेमेंट कर देते हैं, या धन नहीं है तो वहीं से ऋण की व्यवस्था करते हैं, या ऋण की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो उसी पार्टनर से कह देते हैं कि भैया अभी हमारे पास उतना पैसा नहीं है, आपकी ये राशि ऋण में ट्रांसफर कर देते हैं और उसका वार्षिक पेमेंट हम कर देते हैं। यानी कि साझेदार को भुगतान करना, उसको कई सारे तरीके हैं, तो यहाँ पर कैसे करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इसलिए कह रहा है क्योंकि आज उसकी कैपिटल सब खत्म हो रही हो, जब कैपिटल खत्म होती है तो उसको डेबिट कर दें। अगर उसको नकद पेमेंट कर रहे हैं टू कैश या बैंक, ठीक है, यदि ये राशि उसके ऋण में ट्रांसफर कर रहे हैं यानी कि उसको फ्यूचर में दी जाएगी, अभी फर्म के पास नहीं है, तो टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये राशि उसके ऋण में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, जब हम नकद भुगतान करते हैं तो फर्म से कैश चली जाती है, तो इस स्थिति में जो बैलेंस शीट में कैश या बैंक दी है उसमें से इसको घटा देते हैं क्योंकि उसका भुगतान हो चुका है, और यदि हम उसको नकद पेमेंट नहीं करते हैं उसके लोन में ट्रांसफर करते हैं तो ये फर्म के ऊपर अभी दायित्व बना हुआ है, तो इसको लायबिलिटीज में लिखते हैं, इसको लिखते हैं लायबिलिटीज में, और इसको कैश या बैंक में से माइनस कर देते हैं बैलेंस शीट में नहीं। ठीक है, तो ये भुगतान का एक इसका लेखा है कि यदि नकद दिया जा रहा है तो टू बैंक और कैपिटल अकाउंट में टू बैंक या टू कैश कर देते हैं या उसमें लोन में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो अभी उसका हिसाब लगाने और उसके भुगतान संबंधी बात थी। जब उसके जाने पर फर्म के दूसरे साझेदारों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको मैं यहां समझाऊंगा। मान लीजिए ये मेरे तीन साझेदार यहां माने थे और इनका रेशियो मैं मान लेता हूं दो एक
दो एक एक यानी कि वो इस अनुपात में अपना लाभानी आज तक बांटते आए हैं। आज जब भी परम से अवकाश ग्रहण कर लेगा तो ये इसका अनुपात भी समाप्त हो जाएगा। आगे परम में ए और सी ही रहेंगे जिसका अनुपात दो अनुपात एक रहेगा। तो यानी जब सायदारी प्रवेश के अंतर्गत, प्रवेश की बात में कर रहा हूं, कोई नया सायदार आता है तो पुराने सायदार का अनुपात में कमी होती है क्योंकि वो अपना हिस्सा उसे देते हैं। आज यहाँ एक विद्वान जो पहले से था वो जा रहा है तो वो अपना हिस्सा लेकर नहीं जाएगा ना, अपना वो अनुपात परम का चाहे दो साझेदार हो चाहे सौ साझेदार हो, अनुपात हमेशा एक ही होता है, तो वो अपना हिस्सा परम में छोड़कर जाता है। तो इससे जो उसका हिस्सा बचता है, जो उसका हिस्सा बचता है वो पुराने साझेदार ले लेते हैं, वो हिस्सा पुराने साझेदारों को मिल जाता है, पुराने साझेदार उसके हिस्से को खरीद लेते हैं। यानी कि अवकाश ग्रहण करने पर जो शेष बचे हुए साझेदार हैं उनके लाभ प्राप्ति अनुपात में कुछ वृद्धि हो जाती है, जो वृद्धि लाभ प्राप्ति अनुपात कहलाती है। इसे इंग्लिश में गेनिंग रेशो बोलते हैं, गेनिंग रेशो, गेन हुआ है, बढ़ा है इनका अनुपात, इसलिए इसको गेनिंग रेशो बोलते हैं। पहले इसका अनुपात दो था यानी रुपए में 50 पैसे, आज इसका 3 रुपए में दूसरा हिस्सा इसका हो गया है। ठीक है, किस अनुपात में वृद्धि होती है? लाभ प्राप्ति अनुपात का मतलब है, यहां मैं बात कर रहा हूं लाभ प्राप्ति अनुपात, इंग्लिश में बोलते हैं गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर शेष साझेदारों के अनुपात में कुछ वृद्धि होती है, जितनी वृद्धि होती है वो लाभ प्राप्ति अनुपात कहलाती है। तो इसका फॉर्मूला होता है, नया अनुपात बढ़ गया है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। यहाँ पर लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना क्यों करना आवश्यक होता है ये मैं बता रहा हूं अब आपको, क्योंकि जब साझेदार जाता है तो उसने फर्म में मेहनत की है, उसकी वजह से फर्म ने कुछ लाभ कमाया है, लेकिन वो आज जा रहा है तो जो उसने मेहनत की है वो मेहनत लेके नहीं जा रहा, वो मेहनत आज भी वही है, उसके द्वारा जो व्यापारी संबंध स्थापित हुए होंगे वो आज भी फर्म से जुड़े हुए हैं, तो उसने ख्याति में भी कुछ लाभ कमाया होगा, फर्म को ख्याति का भी लाभ हुआ होगा उसकी वजह से, तो लेकिन वो अब जा रहा है तो ख्याति की राशि, ख्याति तो लेके जाएगा नहीं, उस ख्याति का लाभ पुराने साझेदार को, शेष साझेदार हैं सॉरी पुराने नहीं शेष जो साझेदार हैं उनको लाभ मिलने लगेगा, तो उनको लाभ किस अनुपात में बढ़ेगा उनका, उसका जो लाभ बढ़ता है वो गेनिंग रेशियो में ही बढ़ेगा, इतना लाभ उसका वो खरीद लेते हैं। यानी कि जिस साझेदार के अनुपात में जितनी वृद्धि होती है वो साझेदार ख्याति की राशि के रूप में उसे उतना भुगतान करता है। ठीक है, बात एक बार और समझिए, लाभ प्राप्ति अंतर्गत के अंतर्गत मान लीजिए यहां पर कुछ चीजें रखी है, ये एक को मिलने थी, इसको मिलने थी, है तीसरे को मिलने थी, अब ये तो चला गया, अब ये एक जो बटेगा इनमें और इसमें बटेगा, ठीक है, तो मान लीजिए एक का तिहाई हिस्सा इसने ले लिया और चौथा हिस्सा इसने ले लिया, तो यानी इसे ज्यादा फायदा हुआ उसके जाने से, इसे थोड़ा कम फायदा हुआ, तो ख्याति की राशि का भुगतान उसे करना है, मान लीजिए 4 रुपए का भुगतान करना है उसे ख्याति की राशि का, तो जिसका अनुपात जितना बड़ा होगा वो उतनी ही राशि का भुगतान उसे अधिक करेगा। मान लीजिए 4 रुपए उसकी ख्याति थी, इसका अनुपात 3 बढ़ा तो 3 रुपए ख्याति के ये देगा और 1 रुपये ख्याति का ये देगा। लाभ प्राप्ति अनुपात के आधार पर, गेनिंग रेशो के आधार पर जो शेष साझेदार हैं वो जाने वाले साझेदार को, अवकाश लेने वाले साझेदार को उसी गेनिंग रेशो के अनुपात में ख्याति की राशि का भुगतान करते हैं। मान लीजिए ये एक पीस ने नहीं लिया, ये सारा का सारा हिस्सा इसी ने लिया, तो जितनी भी ख्याति है वो यही भुगतान करेगा, इसका कोई अनुपात नहीं बढ़ा तो ये ख्याति की राशि का भुगतान नहीं बढ़ेगा। कहने का मतलब यह है कि जिसका अनुपात बढ़ता है वो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को उतनी ख्याति की राशि का भुगतान करता है अपने पूंजी खाते में से। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट और कुछ भी टॉपिक बनता है,
पुटली का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। यहाँ पर एकमात्र लेखा है, यही लेखा बार बार कायदा अभ्यास में किया जाता है ख्याति के अंतर्गत। प्रवेश के अंतर्गत कई सारे लेखे होते हैं लेकिन इसमें केवल एक ही लेखा है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जिन लोगों का, जिन सायदारों का जो शेष सायदार है अनुपात में वृद्धि हुई है, वो उस जाने वाले सायदार को अपने हिस्से में से ख्याति का भुगतान करेंगे। तो जो भी हैं, जो शेष बचे हैं रिमेनिंग मतलब शेष रिमेनिंग पार्टनर्स या रिमेनिंग को हम, अगर रिमेनिंग नहीं है तो गेनिंग सबसे अच्छा शब्द है। गेनिंग पार्टनर रिमेनिंग तो सब आ गए, गेनिंग पार्टनर्स में वही आए जिसके लाभ अनुपात, लाभ प्राप्ति अनुपात में वृद्धि हुई है। यदि आपसे कोई एंट्री पूछना तो रिमेनिंग तब हमें गेनिंग ही बोलेंगे। रिमेनिंग मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मोस्टली सभी सायदार का अनुपात बढ़ता है, लेकिन कभी कभी किसी प्रश्न में केवल एक का ही बढ़ता है तो उसकी इसको गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दे। वो जिसका अनुपात बढ़ा है किसी फायदा के जाने से, उसके पूंजी खाते को उतने रुपए से कम कर दिया जाएगा उसके हिस्से की ख्याति से। यहाँ पर ये जो लेखा किया जाता है ये अवकाश ग्रहण करने वाले हिस्से की ख्याति से ना कि फर्म की ख्याति से। मान लीजिए यानी कि बी के हिस्से की ख्याति अगर 5,000 रुपए है, मान लीजिए पूरी फर्म की 20,000 है, इसके हिस्से में 5 आई है, तो ये लेखा 5,000 से किया जाएगा ना कि 20,000 से। क्यों? क्योंकि हम उस फायदा को उसके हिस्से की ख्याति दे रहे हैं, पूरे फर्म की ख्याति या अपने हिस्से की ख्याति नहीं दे रहे। इसलिए ये लेखा जो किया जाता है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की हिस्से की ख्याति से किया जाता है। फर्म में कुल ख्याति जो साहिबाल होता है उसमें कुल ख्याति का मूल्य दिया होता है, कुल ख्याति में से साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से की ख्याति की गणना करके, कैलकुलेशन करके कि उसका इतना हुआ है, उसके हिस्से की ख्याति से उस पार्टनर को डेबिट, उन पार्टनर को डेबिट करेंगे जिनके लाभ प्राप्ति अनुपात में वृद्धि हुई है। वो दो या तीन या एक जितने भी पार्टनर बचते हैं वो रिटायरिंग पार्टनर्स को उसको भुगतान करते हैं। ये चाहे तो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ये वो पार्टनर्स हैं जिनके लाभ प्राप्ति अनुपात में वृद्धि हुई है। इसको इस तरह रिटायरिंग टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसके खाते में ख्याति का पैसा जमा हो जाता है। ठीक है, एक यही एंट्री ख्याति के यहाँ पर मूल्यांकन की है, ख्याति की एंट्री यही है। स्थिति चाहे कुछ भी नहीं हो, अवकाश ग्रहण में ख्याति का, उसको अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति की राशि देने के लिए यही एकमात्र लेखा किया जाएगा। उसके बाद एक एंट्री और हो जाती है जो कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में भी आती है। कौन सी? जब ख्याति की राशि चिट्ठे में दी गई हो, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में ख्याति की राशि दी गई हो तो उसको भी समाप्त करना आवश्यक होता है। नई फर्म में ख्याति की राशि को नहीं दिखाते हैं तो संपत्ति समाप्त हो रही है, तो जितने भी पार्टनर हैं वो इसकी राशि का उससे कम करते हैं। ख्याति जब कम होती है तो जितने भी पार्टनर हैं ए बी सी तीनों की पूंजी उस ख्याति की राशि से कम हो जाएगी। यानी कि चिट्ठे में यदि कोई पुरानी ख्याति दी गई है पुराने चिट्ठे में, तो उसको समाप्त करना आवश्यक होता है, और वो आवश्यक होता है सभी साझेदारों के पूंजी खातों को कम करके। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये वो स्थिति है जो बैलेंस शीट में यदि ख्याति दी हो। हर सवाल में यदि ख्याति का मूल्यांकन क्या है, ये एंट्री तो 100% होनी ही है। ये एंट्री जब होती है जब बैलेंस शीट में ख्याति की राशि दी गई हो। ठीक है, तो इसके अलावा बस ख्याति का ये मूल्यांकन थोड़ा कठिन होता है, इसमें ख्याति को एंट्री कैसे की जाए। इसके अलावा अभी हमने बात की उसको कौन कौन सी राशियां दी जाने वाली है, कौन कौन सी राशियां उसके हिसाब में से कटती हैं, लाभ प्राप्ति अनुपात कैसे बढ़ता है शेष साझेदारों का, कैसे बढ़ता है शेष साझेदारों का, और ख्याति का मूल्यांकन कैसे आता है। यहां पर एक बात आई थी चालू खाते की,
चालू खाता समझ लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं समझा रहा हूं। चालू खाता किस स्थिति में खोले जाता है? तो साझेदारों की पूंजी दो प्रकार की होती है, स्थायी पूंजी फिक्स्ड कैपिटल और परिवर्तनशील पूंजी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो सवाल में यदि लिखा होता है कि साझेदारों की पूंजी स्थायी है तो जितनी भी लाभ बढ़ते हैं जितनी भी हानियां बढ़ती हैं, यदि पूंजी स्थायी है तो स्थायी मतलब वो कम या ज्यादा नहीं हो सकती। तो इस स्थिति में जो भी लाभ हानि बांटनी होती है वो साझेदारों के चालू खाता खोलकर बांटनी है, यानी कि साझेदारी का पूंजी खाते का 10,000 शेष है तो 10 ही रहेगा, बाकी कमी वृद्धि अलग से करंट अकाउंट में डाली जाएगी। लेकिन साझेदार की पूंजी यदि परिवर्तनशील है तो जितने भी परिवर्तन होंगे वो पूंजी खाते में होंगे, जो भी कमी होगी वो पूंजी खाते में, जो भी वृद्धि होगी वो पूंजी खाते में ही होगी। सवाल में स्पष्ट रूप से लिखा होता है स्थायी पूंजी है तो चालू खाता खोला जाता है, और यदि नहीं लिखा जाता है कि स्थायी पूंजी तो चालू खाता खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही सारी ये सारी कमी वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये आज जो मैंने आपको समझाया इसके जो भी रूल्स आगे क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आएंगे वही है ये सारे रूल्स, इसके अलावा इसमें ज्यादा रूल्स नहीं है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, आगे जब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा तो इसमें किसी न्यूमेरिकल के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।